बहुत से ऐसे होते हैं कि सर आप आर्टिस्ट हो, मुझे आप जैसा आर्टिस्ट, मुझे आपसे मतलब आप आर्टिस्ट, मतलब आप मेरे वर्क से इम्प्रेस हुआ कि सर मुझे आप जैसा काम करना है, मुझे ये करना है। नहीं, मैं उस बच्चे को इसी तरीके से गाइड करता हूँ कि उसको क्या पसंद है। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मे बी उसको रियलिस्टिक पसंद है, मे बी उसको मेरी कलर थ्योरी पसंद है, मे बी उसको मेरी पसंद है। तो मैं उसको यही समझाने की कोशिश करता हूँ हमेशा कि अपनी फॉर्म को डेवलप करो। मैं उसके स्केचेस बनवाता हूँ, उसकी पहले उसको जानने की कोशिश करता हूँ कि उसके माइंड में आखिर चल क्या रहा है, वो करना क्या चाहता है उसको। मुझे ऐसा लगता है कि उसको उसी तरीके से समझाना चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा कि वो थोड़ा इजी भी रहेगा उस बात को समझ पाना जो आप उसको समझाना चाहते हो, और वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव और कुछ एडवांस ही करके आपको दिखाएगा। नहीं, काफी अच्छा है। और एक ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी कि एक्सपीरियंस मैटर्स, बट इतना भी नहीं कि लाइक 1 ईयर एक्सपीरियंस या फिर 20 ईयर्स एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें तो मैच बिल्कुल भी नहीं करेंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दोनों कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं और कैसे समझा रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर है। अच्छा, और जैसे आप स्टूडेंट से तो मिल रहे हैं, आप पढ़ा भी रहे हैं, तो आपको आपके पास और भी बहुत सारे आते हैं जैसे गाइडेंस लेने के लिए। जैसे आप अपने चाचू के पास गए थे और आपने उनको सारी चीज़ें समझाई, तो वैसे ही आपके पास अभी अपकमिंग आर्टिस्ट या डिज़ाइनर्स भी आते होंगे, या स्टूडेंट्स बोल लो, या फिर जो भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो आपसे गाइडेंस लेने आते होंगे कि अब क्या करें, व्हाट इज नेक्स्ट, हाउ टू कंटिन्यू ऑन द सेम जर्नी, और हम आप आगे कैसे बढ़े, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। तो यही मैंने जैसे आपको पप्पू थोड़ी देर पहले बताया। Thanks for joining me. Let's wrap up the show, and if you have any questions, let me know. I'll try to resolve them as soon as I can. Do follow us on Instagram, Facebook, Apple Podcasts, Spotify, etc., and subscribe to our YouTube channel so that we can continue to create content for you guys, which will help you in running design business successfully.